नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइनर ब्रिजों में वेयरिंग कोड की। दोस्तों, माइनर ब्रिजों में वेयरिंग कोड में ध्यान देने योग्य निम्नलिखित बातें हैं जिन पर हमें गौर से ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, रेनफोर्समेंट। दोस्तों, हमारे माइनर ब्रिज के वेयरिंग कोड के लिए ड्राइंग में और स्पेसिफिकेशन पर जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है उसके अनुसार हमें रेनफोर्समेंट लेइंग करना है। इसके पश्चात ड्राइंग में ही हमें कंक्रीट का ग्रेड दिया होता है, जो जिस ग्रेड का कंक्रीट हमें ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में दिया है उस ग्रेड का हम कंक्रीट यूज़ करते हैं। जनरली वियरिंग कोड के लिए हम M30 ग्रेड का उपयोग करते हैं। इसके बाद थिकनेस की बात आती है। थिकनेस वियरिंग कोड की 7.5 सेंटीमीटर ली जाती है। चूँकि मिडिल पोर्शन में हमें कैम्बर देना है, इसलिए मिडिल पोर्शन में थिकनेस 10 सेंटीमीटर हो सकती है, जिससे हम 2.5% कैम्बर को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, कैम्बर के साथ साथ थिकनेस हमारी 7.5 सेंटीमीटर से कम ना हो। अगला ध्यान देने योग्य पॉइंट ये है कि कंक्रीट मिक्स प्रॉपर हो, इसमें वाटर सीमेंट रेशियो अधिक ना हो और वेयरिंग कोट के कंक्रीट के ऊपर हमें वाइब्रेटर को बराबर तरीके से चलाना है, जिससे हमारा कंक्रीट सही तरीके से लेइंग हो जाए और वेयरिंग कोट में किसी तरह की समस्या ना आए, इसमें अतिरिक्त पानी जो है वो बाहर हो जाए। दोस्तों, इसके पश्चात जो आपको यहाँ पर थर्माकोल सीट दिखाई दे रही है, यह दो स्लैबों के बीच में वेयरिंग कोड में जॉइंट देने के लिए रखी हुई है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे सिविल इंजीनियरिंग सोल्यूशन के आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और आप इंजीनियरिंग के बारे में हमारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।